आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारत का सबसे प्रतिष्ठित नौकरी में से एक है। आईएएस भारत में आईएएस ऑफिसर की पावर काफी ज्यादा होता है। सरकारी नौकरी में से सबसे ज्यादा पावरफुल नौकरी आईएएस ऑफिसर की होता है। एक आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल और स्टेट से लेकर सेंट्रल लेवल तक कमान संभालता है। ऐसे में जितना पावरफुल ये जॉब है उतना ही टफेस्ट एग्जाम से इनको गुजरना होता है। दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके रैंक के हिसाब से आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस जैसे पद मिलता है और आईएएस ऑफिसर की कटाव सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आईएएस ऑफिसर बनना भी बहुत ही कठिन होता है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर के पावर के साथ साथ मोटा सैलरी भी मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में आईएएस ऑफिसर की स्टेप बाय स्टेप रैंक एंड सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए पहले तो आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जहां पर आपको तीन चरणों से गुजरना पड़ता है, प्रीलिम्स एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। इन तीनों चरणों को क्वालिफाई करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलते हैं, जहां आपका रैंक्स के हिसाब से आईएएस का पद मिलता है। अगर आप आईएएस ऑफिसर के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको 2 साल के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मौसरों में स्थित है वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं, जहाँ आपको 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करना पड़ता है। उन 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपका पहला पोस्ट एसडीएम या फिर असिस्टेंट कलेक्टर रूप में मिलती है, और कर्नाटक जैसे राज्य में एसडीएम को असिस्टेंट कमिश्नर के नाम से भी जाने जाते हैं। उस समय आपको सैलरी के रूप में पे स्केल दिया जाता है करीब 56,100 रुपया और डीएनएस अलाउंस करीब 21,318 रुपया तक मिलते हैं। ऐसे में एक एसडीएम ऑफिसर या फिर एक असिस्टेंट कलेक्टर ऑफिसर की टोटल इनहैंड कैश करीब 70,000 तक होता है। साथ में इनको कई तरह की फैसिलिटी मिलती है, जैसे सरकारी फ्लैट, सरकारी कार और साथ में पुलिस प्रशासन की प्रोटेक्शन भी मिलता है। इन सारी फैसिलिटी के कारण एक आईएएस ऑफिसर की नौकरी काफी अट्रैक्टिव लगते है। और आप लोगों को बता दो कि आईएएस ऑफिसर की जो 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड होता है उस ट्रेनिंग पीरियड में भी उनको सैलरी मिलती है। उनको ट्रेनिंग पीरियड में करीब 30,000 से 36,000 तक सैलरी दिया जाता है। एसडीएम पद में करीब 4 साल सर्विस करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर को एडीएम यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पद में प्रमोट किया जाता है या फिर एडिशनल कलेक्टर पद में प्रमोट किया जाता है। यहां आपको सैलरी के रूप में पे स्केल करीब 66,700 रुपये मिलते हैं और डीए करीब 25,726 रुपये तक मिलते हैं। साथ में हर एक आईएएस ऑफिसर की कई तरह की फैसिलिटी मिलते हैं, जैसे रहने के लिए बंगलो दिया जाता है, ड्यूटी के लिए पर्सनल कार और प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी भी मिलती है, साथ में फ्री में टावेल और बहुत सारी फैसिलिटी मिलते हैं। ऐसे में एक एडीएम या फिर एडिशनल कलेक्टर ऑफिसर की टोटल इनहैंड कैश करीब 85,000 तक बनते हैं। एडीएम पद में करीब 4 साल की करियर करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर को डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पद में प्रमोट किया जाता है। यानी आईएएस ऑफिसर करीब 9 साल की करियर करने के बाद इनको डीएम पद में प्रमोट किया जाता है, जहां उनको छोटी जिले के डीएम बनाया जाता है या फिर राज्य स्तर की ज्वाइंट सेक्रेटरी पद में नियुक्त किया जाता है, जहाँ एक डीएम को उन जिले की कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी सौंपा जाता है। साथ में एक जिले के अंदर जितने भी आईएएस ऑफिसर होता है वो भी इनके अंडर में ही होता है। जिले के अंदर करीब 3 से 4 आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनको कंट्रोल करता है एक डीएम। एक डीएम या फिर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बेसिक पे के तौर पर 78,800 रुपये मिलते हैं और डीए करीब 29,944 रुपये तक मिलते हैं, और अन्य सारे अलाउंसेस मिलाकर एक डीएम ऑफिसर या फिर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर को टोटल इनहैंड कैश करीब 1,00,000 से ऊपर तक मिलते हैं। छोटे जिले में एक आईएएस ऑफिसर को 4 साल की सर्विस करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर को बड़े जिले के डीएम पद में प्रमोट किया जाता है या फिर राज्य स्तर के स्पेशल सेक्रेटरी पद में नियुक्त किया जाता है। एक आईएएस ऑफिसर करीब 13 साल की सर्विस करने के बाद इनको बड़े जिले के डीएम पद में नियुक्त किया जाता है या फिर राज्य सरकार की स्पेशल सेक्रेटरी पद में नियुक्त किया जाता है। इन लेवल 13 की रैंक होते हैं और इनको बेसिक पे के तौर पर 1,18,500 रुपये मिलते हैं और डीए करीब 45,030 रुपये तक मिलते हैं, और सारे अलाउंसेस और डिडक्शन कटने के बाद लेवल 13 ऑफिसर की टोटल इनहैंड कैश करीब 1,50,000 तक बनते हैं। करीब 16 साल की सर्विस करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर को डिविजनल कमिश्नर या फिर राज्य सरकार की किसी एडिशनल सेक्रेटरी पद में प्रमोट किया जाता है या फिर केंद्र सरकार की ज्वाइंट सेक्रेटरी पद में भी प्रमोट किया जा सकता है। यहाँ इनको पे स्केल के तौर पर 1,44,200 रुपये तक मिलते हैं और डीए करीब 54,796 तक मिलते हैं, और सारे डिडक्शन और टैक्सेस कटने के बाद इनकी टोटल इनहैंड कैश करीब 1,80,000 तक होता है। एक आईएएस ऑफिसर जब 25 साल की सर्विस एक्सपीरियंस कर लेते हैं तब इनको राज्य सरकार की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाती है या फिर केंद्र सरकार की अंडर में एडिशनल सेक्रेटरी पद में प्रमोट किया जाता है। इस समय इनको पे स्केल के तौर पर 1,82,200 रुपये तक मिलते हैं और डीए करीब 69,236 रुपये तक मिलते हैं, और सारे डिडक्शन और टैक्सेस कटने के बाद इनका टोटल इनहैंड कैश करीब 2,25,000 तक होता है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी पद में करीब 4 से 5 साल सर्विस करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद में प्रमोट किया जाता है, जो स्टेट के अंदर दूसरी सबसे बड़ा पद होता है। यहाँ तक आते आते एक आईएएस ऑफिसर की सर्विस एक्सपीरियंस करीब 30 साल तक हो जाता है। इस समय एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर की पे स्केल करीब 2,05,400 रुपये तक होता है, साथ में डीए करीब 78,052 रुपये तक होता है, और सारे डिडक्शन और टैक्सेस कटने के बाद इनका टोटल इन हैंड कैश करीब 2.5 लाख तक हो जाता है। इससे ऊपर का पोस्ट पाने के लिए करीब 34 साल की सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। करीब 34 साल की सर्विस करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी पद में नियुक्त किया जाता है, जो एक स्टेट के अंदर सबसे बड़ा पद होता है। इनके अंडर में राज्य के अंदर जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन सारे आईएएस ऑफिसर इनके अंडर में काम करता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चीफ सेक्रेटरी की इक्विवेलेंट रैंक करीब सेक्रेटरी होता है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी की बराबर पद होती है सेक्रेटरी। बात करें इनकी सैलरी के बारे में, इनका सैलरी के तौर पर पे स्केल के तौर पर 2,25,000 तक मिलते हैं, और डीए करीब 85,500 रुपये तक मिलते हैं, और सारे डिडक्शन कटने के बाद और टैक्सेस कटने के बाद इनके टोटल इन हैंड कैश करीब 2,80,000 तक होता है। करीब 37 साल की सर्विस एक्सपीरियंस करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर को कैबिनेट सेक्रेटरी पद में प्रमोट किया जाता है। ये पद एक आईएएस ऑफिसर की सर्वोच्च पद होता है, और भारत में सिर्फ एक ही कैबिनेट सेक्रेटरी होता है जो 23 से 24 साल के अंदर आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, उनके लिए ये पोस्ट मिल सकती है। नहीं तो जो 28 से 30 साल की उम्र में आईएएस बनते हैं, तो उनके लिए ये पोस्ट पाना मुमकिन ही नहीं है। ये पद आईएएस ऑफिसर के सर्वोच्च पद होता है। फिलहाल अभी भारत का जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो है राजीव गौबा जी, और ये लेवल 18 का पोस्ट होता है, और एक कैबिनेट सेक्रेटरी को पे स्केल के तौर पर 2.5 लाख मिलते हैं, और डीए करीब 95,000 तक मिलते हैं, और सारे डिडक्शन और टैक्सेस कटने के बाद इनका टोटल इन कैश करीब 3,10,000 तक होता है। फिलहाल आईएएस ऑफिसर की पूरी रैंक वाइज सैलरी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।